अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जी, आज वक्त हो रहा है सुबह का, और ये जो वीडियोस है ना, मैंने तीन चार क्लिपिंग्स जो है ना, तीन चार दिन से थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप तक आज मेरा ब्लॉग पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग आपको मिलेगा। आज क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे है, कल थर्सडे को ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा। तो आज ही आप लोग सब नाश्ता कर लीजिए। हस्बैंड नाश्ता करके जा चुके हैं, बच्चों को मैं करा रही थी तो मैं उनका टिफ़िन भी पैक करके दे दिया है। अब बारी थी मेरी, ये सब्ज़ी रखी हुई है आलू गोभी की जो मैंने बनाई थी, उसी के नेक्स्ट डे का नाश्ता है, जो कि आप लोग सोच रहे हो कि इतनी लेट आप कर रहे हैं। तो जी, नाश्ता मैंने बना लिया था, अब बच्चों को नहलाने की बारी है, वो भी नहला दूँगी, और आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता इन्जॉय कर लीजिए। अच्छा जी, तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, और घर के हालात कुछ इस तरीके से हैं कि बस मुझे देख देख के ये याद है कि अल्लाह किस तरीके से इसको संभालूंगी मैं। हालांकि बहुत छोटा सा है, बट जब फैलावड़ा पहनता है ना, तो बहुत छोटा सा घर भी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब थकान दे जाता है। तो यहाँ पर मैं ना सारा जो गंदगी थी ना, वो इसके अंदर बैग में डाले जा रही थी कि मेरे ज़्यादा चीज़ें जो है ना ख़राब ना हो और मेरा डस्टबिन वगैरह बच जाए। तो यहाँ पर अब बाहर वाले कमरे की चल रही थी, तो सारा किचन मैंने यहाँ पर डाल दिया था कि अभी फ़िलहाल किचन का सारा A to Z सामान यहाँ पर है। फ्रिज भी साइड में कर दिया, क्योंकि अब आंगन की बारी थी तो आंगन में भी हो जाएगा। और हमने इस बार करवाए थे एशियंस पेंट, तो बहुत ही अच्छा पेंट है, और वॉशेबल वाला करवाया था क्योंकि मैं धोती बहुत ज़्यादा हूँ, तो उन्होंने कहा चलो जी धोती, ये तो भी कम सामान है। मैंने पूरा कट्टा भर के जो है ना वो रखा हुआ था बेचने के लिए, कबाड़ी वाले को देने के लिए। तो उसके बाद मैं अपना घर का काम करा गई थी। मम्मी के घर का आरओ ख़राब हो गया, तो उन्हें चाहिए था एक वाटर कूलर, तो बस हम गए थे वाटर कूलर लेने के लिए। उसके बाद मम्मा ने कहा कि चलो जूस पिलाती हूँ मैं आपको। मम्मा के साथ जाओ तो खाना पीना तो बनता है ना, चिज्जियाँ तो मम्मी देंगी देंगी ना, तो मम्मी चिज्जी देती हैं, और मैंने ज़िद नहीं करी थी, मम्मा ने अपने आप से ही कहा था। तो बस मुझे अच्छा लगता है जब मम्मा इस तरीके से हमें मार्केट लेके जाते हैं और जब वो खिलाते हैं। तो मम्मा ने ही बोला था वीडियो शूट कर लो, मैंने कहा अच्छा चलो जी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम और मम्मा कर रहे हैं अपना वेजिटेबल जूस एंजॉय। आप लोग भी आ जाइए, जूस एंजॉय कर लीजिए, और उस दिन से ही मैं बीमार पड़ी हूँ गले में दर्द। अच्छा जी, तो सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपने घर चले गए थे, वहाँ पर मैं काम वगैरह सब दे के आई थी। अब आ रही थी ज़रा शाम के नाश्ते की, तो आज पापा जी थे घर में, तो पापा ने बोला कि मैंने पूछा पापा से, मैंने कहा पापा जी आप सूजी का हलवा खाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो बस मैं यहाँ पर आई हूँ अपने पापा के लिए सूजी का हलवा बनाने के लिए। और मैंने वो खाया था। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं, और देखो हमारी एक ही भाभी हैं, तो हम लोग उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो कभी भी अपना हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कि नहीं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं जितना हो सके कुकिंग कर लेती हूँ, अपने हस्बैंड का, बच्चों का खाना नाश्ता, मतलब नाश्ता वगैरह मैं खुद ही देख लेती हूँ, फिर शाम का भी देख लेती हूँ, और कोई अगर सब्ज़ी जैसे कि पसंद आती है मेरे हाथ की तो मैं खुद ही बना देती हूँ। ये छोटी मोटी एक्स्ट्रा कुकिंग जो होती है ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, क्योंकि उनको परेशानी ना हो, कल को ये ना हो कि नहीं भाई आ जाते हैं, फैमिली का काम बढ़ जाता है, ये वो कभी नहीं हम लोग ऐसा चाहते, क्योंकि हमारी एक एक भाभी हैं बहुत प्यारी सी। तो हम लोग, हम ही क्या, मैं ही क्या, हम सारी बहनें इस बात का ध्यान रखती हैं। बुलबुल भी ये बनाती है, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वो अपना ब्रेकफास्ट वो खुद ही करती है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। उनकी भाभी की भी खुद की फैमिली है, फिर मम्मी पापा हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाती हैं, हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, कल को ये ना हो जाए कि इस तरीके से हो रहा है या ऐसा हो रहा है, वो परेशान हो। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी वजह से कभी वो परेशान ना हो, कभी उनको कोई दिक्कत ना आए। तो बस यहाँ पर सूजी का हलवा मज़ेदार सा तैयार हो रहा था, और मैंने आज से चल रही थी बातचीत, और हम पेलम पे लगे पड़े हैं देसी घी डालने के लिए, क्योंकि जब तक हलवे में अच्छे से घी ना पड़ा हो तो हलवे का टेस्ट नहीं आता है। और सूजी का हलवा, ये आधा किलो सूजी है, इसका मैं पूरी रेसिपी नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ही दे रखी है रेसिपी। तो बस यहाँ पर बातचीत चल रही है, और घर का काम तो बस अब पूछिए मत, व्हाइट वॉश ने हमें बहुत ज़्यादा ही परेशान कर डाला,
काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट कोई नहीं, अल्लाह जो करता है सब बढ़िया करता है। दिन मुकर्रर कर रखा है, एक दिन इंशाल्लाह काम छुड़वाया है तो ख़त्म भी ज़रूरी होगा। और जब तक बातचीत चल रही थी आपसे तो मैं आज ये देख रही थी कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो बस उनके लिए भी वो था और बहुत ही यम्मी सा हलवा बन गया। अच्छा जी, तो मैं आपके सामने आ चुकी हूँ और फाइनली 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 अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने घर आ चुके हैं और वाइट वॉश का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। घर में ऑलमोस्ट सेटअप भी हो गया है और मतलब काम कर करके मेरी हालतें ख़राब हो चुकी हैं। हमें 7 दिन लग गए घर का पेंट करवाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे घर में मरम्मत थी और टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसमें टाइम वेस्ट हुआ। और फिर बस एक ही भैया थे और उनकी हेल्पिंग के लिए मैं ही लगी हुई थी, तो काफ़ी इतना मतलब मैं तबीयतें ख़राब हो चुकी हैं, हालतें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। जब काम करने पर आते हैं ना, डेली मेरा रूटीन है कि मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठती हूँ, 7 बजे से, और शाम के मुझे ना 7 बज जाते हैं काम करते 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 करते। थैंकफुल कि मतलब मेरा किचन सबसे पहले सेटअप हो गया, तो किचन को मैंने सेटअप कर लिया है और उसके बाद अपने घर के अंदर कुकिंग स्टार्ट कर दी है। तो जी आज मैंने बच्चों के लिए बनाया, आज अपने घर में हमने कुकिंग स्टार्ट करी, तो आज फर्स्ट मील बन गया था, बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया था। अब बारी थी उनके मतलब शाम की चाय नाश्ते की, तो आप लोगों को पता है कि शाम का चाय नाश्ता थोड़ा सा सर्दियाँ हैं तो अच्छा होना ही चाहिए। बाकी आसिफ जी की एक दिन की भी छुट्टी उनको नहीं मिली, ऑफिस ने एक दिन भी नहीं उन्होंने रेस्ट लिया। बस ये रात ही मैंने बेड लगवाया है, क्योंकि ये बेड को आसिफ जी ही खोलते हैं और वही लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी भारी है तो वो किसी और के बस की नहीं है। और ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, ये तीन ही चीज़ें हमारे घर में थी, तो इस सब बेड के ऊपर बेड था, तो और ये गद्दे मैंने कहीं और डलवा रखे थे, तो मतलब ऐसा हम लोगों ने सेटअप कर रखा था कि मम्मी का ऊपर वाला रूम खाली था तो वहाँ पर हम लोग सो जाते थे, और खाना पीना तो आपको पता है कि मम्मी के यहाँ पर चल रहा था, वहीं पर ही कुकिंग वगैरह हो जाती थी, भाभी रात का डिनर बना लेती थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी ऊपर का ट्रीटमेंट है, सुबह का ब्रेकफास्ट अपना बच्चों का मैं बनाती थी, और फिर इस तरीके से हमने काम करा। थैंक गॉड वहाँ एक मुझे सहारा था मम्मी के यहाँ का, और जब मैं वहाँ से आई तो भाभी भी मना कर रहे थे, मम्मी भी मना कर रहे थे कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी रहने दो, जब पूरा घर सेटल करूँ ना तब जाके खाना वाना बनाना। मैंने कहा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं अपना खाना बना लूँगी, आप परेशान ना हो। इतने दिन रही, बहुत अच्छे से रही और बड़े ही मज़े आए। देखो मैके का तो नाम ही ये होता मज़े का, और अक्सर मेरे से ये मज़ा छूट जाता क्योंकि मैं पास में रहती हूँ, तो मेरा ऐसा कभी टाइम ही नहीं पड़ता कि मैं प्रॉपर वहाँ जाके रहूँ, क्योंकि यहीं रहती हूँ, सामने घर होता है तो मैं मम्मी के सामने ही रहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा का घर मेरे आमने है और मैं उनके सामने हूँ, तो बस। तो कभी ऐसा मौका नहीं मिलता कि हम इस तरीके से वहाँ प्रॉपर, मैं सोती वोती भी नहीं हूँ, शादी ब्याह होती है तब भी ये होता है कि शादी ब्याह में भी हमारा घर सामने है तो हम वहीं आके सो जाते हैं, और अगर जैसे गेस्ट आ जाते हैं तब फिर बात अलग पड़ जाती है, अदरवाइज ऐसा नहीं। तो मम्मी भी बहुत मिस कर रही थी कि नहीं अच्छा लग रहा बच्चों की वजह से, अब मैं कल से यहाँ पर हूँ, अभी तक मैं मम्मी के पास नहीं गई, तो वो फ़ोन कर रहे हैं, भाभी भी कह रहे हैं हाँ बीमार मत पड़ जाना, घर में दीवानी होगी, आप यकीन नहीं जानोगे मेरे को आए हुए यहाँ पर आज 3 दिन हो गए हैं, मतलब रात ही बेड लगवाया था, उससे पहले कर रही थी, जितने 3-4 दिन से मैं डेली आती धुलाई करके जाती हूँ दिन, और फिर जब मैंने रात को थोड़ी ज़्यादा अच्छे से धुलाई कर दी, 8 बज गए मुझे धोते धोते, और हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने एक कॉम्बी फ्रेम लिया तो फिर करा। तो भाभी का भी, मम्मी का भी ये कहना, मम्मी से भाभी कहती मम्मा देखना बाजी को ना अब चैन थोड़ी ना आएगा, वो डेली और धुलाइयाँ करेंगी, वो धुलाई कर करके ही रह जाएंगे। मेरे को ना एक थोड़ा सा ना है गंदी सी बीमारी है मुझे धोने की, बहुत ज़्यादा मैं ना चीज़ों को धोती हूँ, ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतना ज़्यादा है। मैं पहले भी शादी से पहले ऐसी थी कि मुझसे कोई कहे कि आपको डीप क्लीनिंग में मतलब पोछा लगा लो, क्या करो, मेरे को मन करते धो दो यार पकड़ के, धो दो वाइपर कर दो, फिर उसके बाद उसको वाइपर के बाद फिनाइल का पोछा, मेरी जान है मुझे फिनाइल, ये जो खुशबू वाली चीज़ें होती ना बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं पूरा 5 लीटर फिनाइल ले आती हूँ, मैं 1-1 लीटर फिनाइल नहीं लेकर आती, और हर तरीके की फ्लेवर वाली फिनाइल मैं देखती रहती हूँ। तो बस फिनाइल में अंदर कहाँ आ गए, तो बस ये है कि आप लोगों के करम से अभी अपने घर आ गई हैं। व्लॉग्स जो हैं वो बिल्कुल भी मैंने कंटिन्यू कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, फिर उसके बाद आसिफ जी का गठिया पाए का दर्द, आज आसिफ जी बहुत ज़्यादा पैरों में उनके दर्द था, गठिया पाए हैं उनको, तो उनको ये जॉइंट पेन सूट जाते हैं
शादी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा, तो बस उन्हें भी देखना है। बस फिर भी ये है कि बहुत परेशानियाँ के साथ आज आपकी अप्पी फाइनली अपने घर के अंदर बैठी हुई हैं और अल्लाह का शुक्र है चाय नाश्ते से फ्री हो चुके हैं। अब बारी है खाना बनाने की, तो मैं आज कुछ हल्का फुल्का से बनाऊंगी क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गई। तो सुबह मॉर्निंग में ही मैंने आज 7 बजे उठ के, डेली मेरे को आज 7-8 दिन हो गए सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठती हूँ, रात को 11-12 बजे सो जाती हूँ। थक बहुत ज़्यादा जाती हूँ, कभी कमर टेढ़ी हो जाती है, कभी घुटनों में दर्द हो जाते हैं, तो बस कॉम्बी फ्लेम खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बस। लेकिन ये है कि काम बहुत ज़्यादा था, हमने सेटअप फाइनली बहुत हद तक कर लिया है और रूम टूर जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपना प्यारा सा आशियाना, आप लोगों का प्यारा सा आशियाना आप लोगों ने बोला था आपकी ज़रूर दिखाना, तो इंशाल्लाह। और पेंट जो है बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया है कि अभी लाइट कलर करवाइएगा, दरवाज़ों पर लाइट कलर करवाइएगा और किचन के अंदर रेड मत कराना, कसाई खाना लगता है। तो जी हाँ, इस बार मैंने किचन में थोड़ा सा कसाई खाना नहीं बनाया, उसको थोड़ा सा अलग करा है, जो कि किचन अभी आपको देखने को मिल जाएगा। और थोड़ी एक पहले की भी क्लिपिंग है मेरे पास, जब किचन का पेंट हुआ ही हुआ था तो मैंने वो एक क्लिपिंग ले ली थी। तो बस क्योंकि फ़ोन जो था, इनायत की क्लासेस चलती रहती हैं, चार्जिंग भी बहुत सोना ज़रूरी है, फिर इतना तहस नहस मैं फ़ोन कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ ये मेरे को समझ नहीं आता। और जब मैं एक बार काम में लग जाती हूँ ना, स्पेशली जब मैं धोने वोने के काम में लगती हूँ, तो मैं फ़ोन वोन नहीं देखती हूँ कि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है यार। मैं कुछ हाँ कोई और वीडियो शूट करे तो बात अलग है, चलो जी शूटिंग करवा लो उससे, बट खुद को शूट करना ये करना बहुत, और मैं इतनी गंदी हुई हुई थी ना, क्या बताऊँ, रोज़ डेली रात तक तो हमारी स्किन इतनी ख़राब होती है। और देखो अभी स्किन भी जो है ना, आप देख सकते हो ये देखो मेरी स्किन भी जो है ना बहुत ख़राब हुई, इतना डस्ट गया है ना, इतना डस्ट गया है बहुत ज़्यादा। तो हम स्किन भी ठीक करेंगे अब ये ना, और अपने घर के अंदर सोना, अपने बेड के ऊपर सोना सचमुच में, जब मैं पहली बार फर्स्ट नाइट हमने वहाँ बिताई थी मम्मी के यहाँ पर ऊपर में रूम में, तो मेरे को रास्ते जी को नींद ही नहीं आई थी। हम लोग 4 बजे तक बात करते रहते कि यार फिर उन्होंने कहा रानी बीमार पड़ जाएगी, मैं तो ऑफिस चले जाऊँगी, कोई बात नहीं तुम्हें घर में काम करना है, तुम अपने आप को बीमार मत करो। और बार बार मुझे सब ये बोलते बीमार मत पड़ जाना, बीमार मत पड़ जाना, बहुत काम कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ। लेकिन अल्लाह ने करम करा कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, हम रात में बीमार पड़ते थे, सुबह फिर हिम्मत खाइए उठ जाते थे कि चलो जी घर में है और अपने घर को सजाना, अपने घर का काम करना किसको बुरा लगता है, जितनी हिम्मत है कर ही लेते। तो फाइनली आज मैंने सारे कपड़े भी धो डाले, मेरे लास्ट से आप यकीन मानो इतने कपड़े थे ना, इतने कपड़े थे, बस क्या ही बनाऊँ, आज फाइनली कपड़े भी धुल गए हैं, सब कुछ हो गया, बस वही रूटीन पे कड़ी आएगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो आपके पास कल आएगा, बट आई एम सो सॉरी कल नहीं आया, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और आगे की भी मैं मतलब बातचीत नहीं कर पाई, आगे का वॉइस ओवर नहीं दे पाई थी, ना ही आप लोगों से बात कर पाई थी, इसलिए मैं माजरत। बहुत सारी छुट्टियां कर ली है मैंने, अब छुट्टी का कोई मतलब नहीं बनता, अब मैं आप लोगों से कंटिन्यू होंगी, ब्लॉग्स आपके पास कंटिन्यू पहुंचेंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। और आने वाले ब्लॉग्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत गजब के होने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर पर आने वाला है कोई मेहमान, नहीं मेहमान नहीं है, वो अपने हैं जो अभी आ रहे हैं, वो हमारे अपने हैं, तो बस उनके साथ करेंगे खूब ढेर सारी मस्ती मजाक, और बने रहिएगा मेरे साथ। और बस मेरे वीडियो को लाइक करिए, और बहुत ज़्यादा मैं आलस में नहीं थी, मैं बहुत बिजी थी, इस वजह से इतना ज़्यादा तवज्जो अपने ड्यूटी पर नहीं दे पा रही थी, इस वाले काम पर अपने दूसरे काम पर ज़्यादा दिया था। तो चलो आपको निराश नहीं करूँगी और आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात करूँगी, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज। और आगे देख लीजिए किचन के ऊपर कौन सा कलर करवाया, प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे ही बोलना, क्योंकि बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने, तो प्लीज़ अच्छा ही अच्छा बोलना, अगर चलो चलो बुरा भी बोलना तो बोल देना, क्योंकि यार मेरी तो बहुत मेहनत है, मेरे हस्बैंड का पैसा है तो मेहनत मेरी बहुत है, और हमारे पेंटर बाबू की भी मेहनत है, देखो तीनों का बराबर बराबर योगदान है, तो आपको अच्छा लगे, आई एम श्योर आपको अच्छा ही लगेगा, बाकी आप सजेशन दीजिएगा। और हाँ, आप लोग वॉलपेपर का कह रहे थे, मैंने अभी फ़िलहाल किचन में कोई वॉलपेपर नहीं लगाया, लेकिन हाँ फ्यूचर में लगा लूँ कुछ कह नहीं सकते, अभी तो फिलहाल मैं अच्छी अच्छी साफ़ सुथरी दीवारों को देख देख के खुश हो गई हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हाँ जी हमारे घर भी अब अच्छा अच्छा हो गया है। मेरे को तो पता है, देख के यकीन नहीं हो रहा कि यार हमारा घर है इतना सुंदर, क्योंकि हमें तो आदत थी ना वो खुदरी खुदरी वाली देखने की,
तो बस यही, अल्लाह सब कुछ सही करता है, टाइम उसने मुकर्र करा था। मैं ये पेंट के लिए कब से सोच रही, 2 साल पहले ही हमारा ये पेंट हो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिन मुकर्र कर रखा था, टाइम मुकर्र करा था, बंदा कितनी भी कोशिश कर ले बट जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता वो काम नहीं होता। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि अभी तो ना रोजे है ना ईद है ना कुछ है, आपने इतनी जल्दी वाइट वॉश क्यों करा लिया? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ईद के टाइम पर लॉकडाउन लग जाए हम कुछ कह नहीं सकते, हम 2 बार इसी में फंस रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद फिर ये होता है कि ईद के टाइम पे रोज़े भी होते हैं, फिर कुरान शरीफ भी होता है, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है रमज़ानों में वाइट वॉश करना, जहाँ तक हमारा हमने होश संभाला। मेरी मम्मा ने भी कभी रमज़ानों में नहीं कराई, रमज़ानों से हम लोग पहले ही जैसे शब कदर पढ़ते ना तभी वाइट वॉश करा लेते ताकि रोज़े अच्छे से गुजरे। तो बस यही आसिफ जी का भी होता है कि यार रोज़े अच्छे से गुजर जाएँ और बाकी अल्लाह मालिक है, बस हो गई, अल्लाह ने इसी का टाइम यही मुकर्रर करा था तो इस वजह से हो गई। तो बस आगे आप लोग देख लीजिए मेरा कैसा है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, आने वाले व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले, एक्साइटेड हैं हम लोग, आप लोग एक्साइटेड हो जाइएगा आने वाले व्लॉग्स में, कट कर देना मतलब खुश हो जाना बस, और एक्साइटमेंट बनी रहेगी, हाँ एक्साइटमेंट बनी रहेगी। आप लोगों को गेस करोगे हमारे घर कौन मेहमान आ रहा है या कौन अपना आ रहा है, ठीक है? चलो जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारी किचन पेंट हो चुकी है, अब ये पेंट सूखने में काफ़ी टाइम लग गया था तो इसलिए भी मैं घर के अंदर नहीं आ पा रही थी क्योंकि इसको 3-4 दिन लगे थे। तो ये है आज की क्लिपिंग, तो के पेंट सूख गया था, मैंने किचन सेटल कर लिया, सब कुछ धुलाइयाँ हो चुकी हैं और यहाँ बन रही हमारी चाय और पकौड़े, शाम का टाइम हो रहा है, नाश्ता बन रहा है, तो आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए हमारे साथ नाश्ता, और मैं एक लुक आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि किचन किस तरीके से लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा पेंट और क्या सजेशन मतलब आप दे सकते हैं मुझे कि इसमें मुझे और क्या करना चाहिए। वैसे मेरे दिमाग में वॉलपेपर का हैगा, मैं पीछे में वॉलपेपर लगवाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ईद के लिए रहने दूँ कि ईद पे थोड़ा सा और नया लुक आएगा, बाकी जैसा भी होगा आसिफ जी कहेंगे मैं उससे कैसे करूँगी। तो यहाँ पर ही हमारी किचन सेटल हो चुकी है और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, आप लोग भी बता दीजिएगा। और बस यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बन चुके हैं, शाम का नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही है। आप लोग भी आ जाओ नाश्ता कर लो हमारे साथ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए आए हैं, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।